पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। 88 साल के जॉर्ज फर्नांडिस का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। वो काफी दिनों से बीमार थे। जॉर्ज फर्नांडिस कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू से जूझ रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस रेल, उद्योग और संचार मंत्री भी रह चुके थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1967 से 2004 तक 9 लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। पीएम मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके बेटा को अमेरिका से आना है, तो कल ही जो भी अंतिम संस्कार करना है वो होगा। अभी एम्बामिंग करके यहाँ घर पे रहेंगे तब तक। लेकिन दूसरे इस प्रकार से भावी भारत भी मेरे सामने है। आप लोगों से संवाद करने से पहले, आज सुबह ही हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस, उनका निधन हो गया। वे जुझारू नेता थे। जन्मभूमि कहीं, कर्मभूमि कहीं, जनप्रतिनिधित्व कहीं, एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे वो। आपातकाल में, इमरजेंसी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने। लेकिन गत कई वर्षों से वो बीमार थे, अनकॉन्शियस थे, सालों तक बिस्तर पे रहे। आज वो हमें छोड़ के चले गए। मैं आदरपूर्वक जॉर्ज साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ये परीक्षा पे चर्चा पिछले बार और इस बार में अनुभव के आधार पर काफी बदलाव आए हैं। दुनिया के कई देशों से भी लोगों की मांग थी, तो वो भी जुड़ रहे हैं। उसी प्रकार से भारत के भी सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व हो, वहां के विद्यार्थियों से बात हो। इसमें सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं, और ये बात अधूरी रहती अगर इसमें अभिभावक न होते, पेरेंट्स न होते, टीचर्स न होते। और इसलिए कोशिश की गई है कि एक प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में जो सीधे संपर्क में आते हैं, उन सबसे संवाद करने का ये अवसर बने। अभी जो एक नृत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूं कि उसमें जो बातें बताई गई हैं, उसके बाद मेरे कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है। वो सारी बातें उसमें समाहित है। अगर हम उसको ही आज का संदेश मान ले, तो मेरे समेत यहां उपस्थित और देश में इस कार्यक्रम को देखने वाले हर किसी के लिए एक नया विश्वास पैदा करने वाला, नई आशा पैदा करने वाला वो एक नृत्य प्रस्तुति थी। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और उस पूरे कार्यक्रम में रीना ने जो कमाल दिखाई है, दो हाथ नहीं, एक पैर नहीं, फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ और है। अभी हम
देख रहे थे वीडियो पुराना, उसमें भी मैंने बताया था कि हाँ आप भूल जाइए कि आप किसी समारोह में बैठे हैं, आप ऐसा ही मानिए कि आप अपने परिवार में बैठे हैं और परिवार में ही गप्पे गोष्ठी कर रहे हैं और अपना ही परिवार का कोई चीर परिचित चेहरा हमसे गप्पे मार रहा है। अगर ये हल्का फुल्का वातावरण रहेगा तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे लिए ये कार्यक्रम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है, न मुझे अभिभावकों को कोई उपदेश देना है, न टीचर्स को कोई उपदेश देना है और न ही विद्यार्थियों को देना है। मैं यहाँ आपके बीच खुद को अपने जैसा, आपके जैसा, आपकी स्थिति मनस्थिति वाला कुछ पल में जीना चाहता हूं जैसे आप जीते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? माननीय, इस बार स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, और वो भी देश से भी हैं, विदेश से भी हैं। सबसे पहले रूली दत्ता, जो कि कोलकाता से हैं, एक टीचर हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। नमस्कार सर, माय नेम इज रूली दत्ता एंड आई टीच बायोलॉजी एट केंद्रीय विद्यालय IIM जोका कोलकाता। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, एज अ टीचर, व्हाट डू यू टेल पेरेंट्स हु कंसीडर एग्जाम्स एज मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर? थैंक यू सर। एज ए टीचर, हमें उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि एग्जाम से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है? मानी, इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे बीच में इस वक्त बैठे हैं रोहित श्री, जो कि बेसिकली केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूं और मैं अभी दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहा हूं। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसके वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है, देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएँ हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। माननीय, आपसे निवेदन है कि कृपया इन्हें प्रेरणा दें। आप केरल से हैं लेकिन मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 2-10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, कुछ पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता हूं अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करें भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है।
परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती, ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था, उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एकाध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। लेकिन जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है। कसौटी हमें कसती है, कसौटी के से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसको अचीव करने के लिए लगे रहना, वरना उस जिंदगी का क्या मतलब है। और दूसरी बात है प्रेशर। कभी कभी तो हम बालकों की मनस्थिति ऐसी होती है कि एक अवस्था में हम पहुंच जाते हैं कि माँ मम्मी पापा कुछ भी कहे तो मैं लगता है ये मेरा बिगाड़ रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं सही है, इनको कुछ समझ नहीं आती। ऐसा ही होता है ना, ये कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा होता है ना। पहले हम खास करके मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि हम अपने माँ बाप जो कहते हैं उसको इमीडिएट रिएक्ट न करें, गौर से सुने। सुनते समय भी उनको लगना चाहिए कि आप अटेंटिव है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत चाव से सुन रहे हैं। एकाध बार पूछे, अरे मम्मा ये समझ नहीं आया, जरा ये क्या कह रही थी। एक बार इतना कर लीजिए, शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबह मैंने बहुत कह दिया तुझे। आपको मम्मा को समझाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप समझ जाएगी। इसलिए छोटी चीजें व्यवहार की होती है। और फिर कभी जब मम्मा पापा अच्छे मूड में हो तो आप ही अपना दृष्टिकोण कि मैंने बहुत सोचा, आपने उस दिन कहा था ना मंडे को, तो बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने कोशिश भी की, लेकिन कम पड़ गया, मुझे बताइए ना कैसे करूं। आपकी एग्जाम पूरी, उनकी एग्जाम शुरू, घंटे भर उनको समझ दिया है क्या जवाब थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके माँ बाप का बोलती बन करना सिखाता हूं आपको, लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है। बाद में माँ बाप से आप देखिए एक मित्र भाव से आपका संवाद शुरू होगा, वे आपके हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे। मेरी अभिभावकों से भी आग्रह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, अब क्लर्क बन गए। वो सारी सजा बच्चों पर दे रहे हो। वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने नहीं करना चाहिए। उसके भीतर जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसको जानने पहचाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी माँ बाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपने देखा होगा, घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो उठ करके चलना सीखता है, तो माँ क्या करती है, वो उठता है एक दो कदम करके गिर जाता है तो डांटती है क्या, ताली बजाती है। ताली बजाती है, उस बच्चे को लगता है गिरना बुरा नहीं है, उसने भी हिटने की आदत है। अब किसी माँ को किसी प्रधानमंत्री ने लेक्चर दिया था क्या कि बच्चा गिर जाए तो ताली बजाना, किसी किताब में पढ़ा था क्या? लेकिन उसको मालूम है कि बच्चे का हौसला बुलंद बढ़ाना है, फिर क्या करेगी, तीन चार कदम चलना सीखेगा तो माँ उसको कोई प्रिय चीज उसको लेकर के दूर खड़ी रहेगी और कहेगी आओ 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 आओ, है हटती जाएगी। ऐसा करती है ना माँ, और बच्चे को भी करता है कि मैं जरा दौड़ करके ले आऊं, उसका हौसला बुलंद करती है माँ बाप। लेकिन ये सब ज्ञान होने के बाद, बचपन में सब किया होने के बाद भी एक स्थिति आने के बाद माँ का मन हो जाता है, बाप का मन हो जाता है, बस अब तो वो तैयार हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती वहीं से शुरू होती है। माँ बाप ने जीवन भर बच्चे को उसी रूप में देखना चाहिए, पुचकारना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अगर गिर भी जाता है तो हौसला बुलंद करना चाहिए। उसको नीचे गिरता हुआ देख करके उसको डांटते रहने से कोई परिवर्तन नहीं। जहां तक अपेक्षाओं का सवाल है, एक प्रकार से अपेक्षाएं अच्छी चीज है। मैंने कहा ना, बालक को मां दूर रह करके दौड़ाती है, वो अपेक्षा है कि भाई तुम अब 10 कदम दौड़ के मेरे पास आओ। अपेक्षा आवश्यक होती है। अपेक्षाओं के कारण हमें भी कुछ ज्यादा करने की इच्छा जगती है। अगर अपेक्षा ही नहीं होगी तो आप मुझे बताइए, एक पेशेंट हो जिसमें जीने की इच्छा ही ना हो, अब ठीक होने का मन ही ना करता हो, ऐसा ही छोटा मृत्यु का इंतजार करना है, कितने ही बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ला दो, कितना ही बढ़िया से बढ़िया अस्पताल ला दीजिए, वो पेशेंट ठीक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो निराशा में की गर्त में डूबा हुआ समाज या व्यक्ति या परिवार कभी किसी का भला कर सकता है? और इसलिए आशा और अपेक्षा ऊर्ध्व गति के लिए अनिवार्य होती है। और मैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आप अब आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल स्वाभाविक था, यह बहुत स्वाभाविक है कि समाज में अपेक्षाएं हो, निराशा नहीं होनी चाहिए, वरना ये छोड़ो यार, ये मोदी जी तो ऐसे ही है, कुछ होने वाला नहीं, चलो यार अपना काम करें। जी नहीं, वो कहता है मोदी जी आप है और ये नहीं होता है, ये तो विश्वास है। मैं तो चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशंस जगा दिए, मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशंस होने चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, देश तभी चलता है। अपेक्षाओं के बोझ में दबना नहीं चाहिए, हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना चाहिए। चलिए, लंबा हो गया जवाब आपका।
सर जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुमार शर्मा जो कि एक अभिभावक हैं, इनकी एक परेशानी है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है, मैं रूपनगर जम्मू का रहने वाला हूँ। आजकल बच्चों पर ही नहीं, हम पेरेंट्स पर भी हमारे साथियों का दबाव होता है, किसका बच्चा कितने अच्छे अंक लाता है, इस टेंशन से बाहर कैसे निकला जाए। धन्यवाद सर। ऐसा ही एक सवाल है नॉर्थ ईस्ट यानी इम्फाल से पेवम नीला कुमारी ने पूछा है, ये भी एक अभिभावक हैं। खुरुमजरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम पेवम नीला कुमारी फ्रॉम इम्फाल मणिपुर। एज अ पेरेंट एंड ऑल्सो ए वर्किंग वुमन, आई वुड लाइक टू नो हाउ कैन आई डिस्ट्रेस माई सेल्फ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ माई चिल्ड्रेन। थैंक यू सर। अभिभावक के रूप में मेरे बच्चों के एग्जाम्स के वक्त मैं तनाव मुक्त कैसे रहूं? माननीय टाइम्स नाउ के द्वारा भी बैंगलोर से एक सवाल पूछ रही है लावण्या, ये एक स्टूडेंट है। गुड मॉर्निंग, आई एम लावण्या आर स्टडिंग इन सेंट मैरिज पब्लिक स्कूल क्वींस रोड बैंगलोर। आई एम अ व्यूअर ऑफ टाइम्स नाउ। माई क्वेश्चन इज टू आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। गुड मॉर्निंग सर, today my question is how can we students overcome the fear which has been pressure and fear which has been created by our parents, teachers and all our loved ones। स्टूडेंट्स हमारे पेरेंट्स टीचर्स तथा हमारे प्रियजनों के द्वारा बनाए गए दबाव का डर मन से कैसे निकालें? सर बच्चों और पेरेंट्स दोनों के ही तनाव की बात हो रही है, हम सब उत्सुक हैं आपका जवाब सुनने के लिए। अभिभावकों के लिए मेरा यही आग्रह होगा कि आपके सपने भी होने चाहिए, अपेक्षाएं भी होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर से परिस्थिति बिगड़ जाती है। जब भी आप बच्चे को कभी बहुत बढ़िया मानव खाना बनाया आपने, वो अपने मन से खा रहा है, लेकिन चूंकि आपने अच्छा बनाया है, आपको बहुत पसंद है, फिर बच्चे को कहो खाओ 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 तो खड़ा होकर के चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? प्रेशर से रिएक्शन आता है, ऐसा न हो इसका हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है, और मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि वे कभी कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड बना करके ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है कि उनको सोसाइटी में मेरा बेटा ये किया, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने, बस इशू को लेके घूमते रहते हैं। और इसके लिए वो आपको घर में आकर के, अच्छा आप गलत ठीक ना करें तो घर में ही डांटते हैं, मैं कैसे जाऊंगा उसकी शादी में, तू क्या रिजल्ट लाया है, मुझे लगा पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही करते हैं ना। यानी आपका सफलता या विफलता उनके सोशल लाइफ पर जैसे पता नहीं बड़ा बड़ा पहाड़ गिर जाता है, और उसके कारण वे हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको समाज में एक स्थान बना रहे। इसलिए माँ बाप बच्चों पर ये प्रेशर डालने की आदत बन जाती है।